राइट गाइस, सो अब हमारा थोड़ा प्लान चेंज हो गया है। जिसपा जाएंगे, जिसपा से लद्दाख जाएंगे और ये अपने भाई लोग मिले हैं। आप अपना नाम बताइए। विकास मलिक, मुजफ्फरनगर। शिवांग डालिया, निक्की खारी। ओके, सो अभी हम इकट्ठे यहाँ से राइड स्टार्ट करेंगे। तो ठंडी में अभी हम और बाइक अपन की खड़ी है, वो अभी हमने इसका करवा दिया, चैन लूप करवा दिया, चैन लूप करवाया है अपने भाई से। हेलो, सो देखते हैं अभी हम जिसपा में रुकते हैं या फिर कहाँ रुकते हैं। यहाँ से हमने अपना फूड खाया है, सामने शॉप से चाय पी है, परौंठे खाए हैं। सो चलिए चलते हैं, आगे मिलते हैं। सो ऑयल इज कम्प्लीट, चैन लूप कर लिया हमने अपने। सो चैन लूप मैं अपने साथ कैरी नहीं किया। बाय, टेक केयर। सो टांडी टू जिसपा चले। राइट गाइज, सो ठांडी ब्रिज, अभी हम ठांडी में रुके थे, ठांडी में हमारे सारे काम हो गए हैं, वापस जा रहे हैं सीधे लद्दाख के रास्ते को। सो चलिए लद्दाख देखते हैं और लद्दाख घुमाते हैं आपको। तो गाइस, जो नज़ारा है ये सारा नज़ारा आप देख सकते हो लद्दाख का। बस पैसा तो इंसान कमाता है, लेकिन जो प्यार होता है वही बड़ी चीज़ है, प्यार। और इस रोड को हमने छोड़ दिया, बाय बाय। सच पास होते हुए सीधे अब हम जा रहे हैं यहाँ से जिसपा की ओर। होटल स्नोवॉल रेड और केलोंग। ऑलराइट, सो आगे जो वो आपको टाउन दिख रहा है वो केलोंग है। केलोंग पहुंच गए हम लोग, बिकॉज ठांडी से केलोंग कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अड़ो ना यार, मैंने रखा है, मेन पर्स है और मोबाइल है और साथ में है हमारा सारा सामान। सामने ग्लेशियर यार, ये लोगों का ना स्टैमिना अल्टीमेट है मैन, बिकॉज इतनी पहाड़ी के ऊपर रहना फिर नीचे आना ऊपर आना, वाओ यार। होटल केलोंग इन, सो केलोंग क्रॉस करते हुए बस सर्विस भी चल रही है। फुल एंजॉय कर रहे हैं लड़के। खिंचो 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 खिंचो, अभी हम ये केलोंग में हैं। रुपिंदर को थोड़ा काम था तो रुपिंदर सीधे मनाली की ओर, और हम लोग निकल गए हैं लेह की ओर, क्योंकि यूपी से मेरे फ्रेंड थे वो आ रहे थे, हमारा प्लान था लेह जाने का। लास्ट टाइम इंटरसेप्टर पे जब मैं था, मेरा यहाँ पे तेल फिनिश हुआ था और यहीं पे मैं रुका था, वहाँ मेरा इंटरसेप्टर बंद हो गया था और यहाँ आकर मुझे रुकना पड़ा था, क्योंकि रीज़न इज़ मैंने तेल कैरी नहीं था कि मैं पैंगोंग से सीधा आ रहा था, और आपको यहाँ कहीं भी पेट्रोल स्टेशन नहीं मिलेगा, सीधा लेह में आपका पेट्रोल स्टेशन मिलेगा अब। और 400 किलोमीटर की रेंज है हमारी बाइक की, मेरी बाइक की, तो उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक रहे। सो अभी हमारा जो प्लान है वो जिसपा रुकने का है, यहाँ पे स्टे करेंगे जिसपा में ही। हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही है, पहले हम आगे चले थे थोड़ा, फिर सोचा कि जिसपा में स्टे करते हैं। यही उतार लो नीचे,
यही 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 स्टे कर लेते हैं, यहाँ लड़के हैं। आगे आगे जी, ले लिया रूम। ऑलराइट गाइस, अभी हम स्टे कर रहे हैं यहाँ पे, ये रूम लिया हमने और ये यहाँ का बाथरूम है जिस्पा में, और यह है रूम। ओके, सो यहाँ पे आज स्टे करेंगे। रूम का प्राइस हमें पड़ा 1500 रुपये। ऑलराइट गाइस, सो अभी हम जिस्पा पहुंच गए हैं और पीछे हमारे रास्ता है लद्दाख का। अभी यहां से लद्दाख जाएंगे सीधे टुमारो, और आज की जो हमारी राइड है 76 किलोमीटर थी उदयपुर से। उदयपुर में इंटरनेट बिल्कुल नहीं काम कर रहा, इवन इंटरनेट अगर आपको लद्दाख जाना है तो जिस्पा में ही मिलेगा। दैट्स व्हाई हमने क्या किया है, हमने यहीं पर अपना रूम स्टे ले लिया है, और जो रूम स्टे है इधर है। हमारी बाइकें सामने पार्क हमने की हुई हैं, ओ सामने, और ये आप देख सकते हो जिस्पा एल्टीट्यूड 10,890। आज की स्टे जिस्पा में करेंगे। खाना वाना इधर ही खाएंगे, आमलेट वगैरह ऑर्डर किए थे, आमलेट बन गए हैं, और साथ हम अभी मैगी खाएंगे। मैगी के बाद रात को इधर खाना अपना फिनिश करेंगे। सुबह का हमारा जो प्लान है वो अर्ली मॉर्निंग होगा। सो होटल में कहा जो हमें प्राइस पड़ा है वो पड़ा है 1500 रुपये। सो होटल हमें सेम प्राइस में मिलेगा। अगर आप जिस्पा में पूरे में आओगे तो आपको यहाँ पे 2 या 3 होटल हैं जो वो खुले हुए हैं, बाकी सब बंद है, लॉक्ड है। सो ये हमारा होटल है, यहाँ पे हम रुके हुए हैं। तो ये होटल भी कल ही खुला है। जैसे एग्जांपल ये लोग बोल रहे थे कि अभी जो टनल है, जो अपनी इंडिया की सबसे बड़ी टनल मनाली में बनी है, वो टनल खुलने के बाद अभी इन्होंने होटल ओपन कर दिया, क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता है कि अगर टनल खुल गई है तो इट मीन्स राइडर्स आएंगे, टूरिस्ट आएंगे। दैट्स व्हाई जो जिस्पा में आपको स्टे मिलेगी 1500 से कम नहीं मिलेगी, 1400 हो सकता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। या बहुत सामने आप देख रहे हो ग्लेशियर। सो सरचू, जिंगजिंग बार, वारालच्छा, कल हम इसी रोड से सीधा आगे क्रॉस करेंगे। वारालच्छा, जिंगजिंग बार, सरचू, देखते हैं। तो ये अपन की खड़ी है बाइक, लग ये अपनी बाइकें खड़ी हुई हैं। और यार बाइक का जो हाल है ना, आज 5 दिन हो गए मेरी बाइक को, टोटल 5 दिन। तो आप इसकी कंडीशन देखो, माय गॉड यार, कंपनी वाले भी गालियां निकालेंगे। ये देखो, दिख रहा है ये, तो बाइक की कंडीशन बड़ी ख़राब हो चुकी है। और ये अपनी दूसरी बाइक है, ठीक है, बुलेट फ्रॉम यूपी। और वो सामने का व्यू देखो। अभी मैं ऐसे करूँगा, मैं यहाँ पे ड्रोन शॉट लूँगा कुछ। और ये अपना भाई अपने साथ। हमने क्या किया था, हम ठांडी में रुके थे और वहाँ पे हमने वेट की थी, मैं वेट कर रहा था इनकी। कैसा लगा? बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है? मज़ा बिल्कुल, फुल एंजॉय हो रहा है। सो कल देखते हैं हमें आगे जाके कोई ट्रबल आती है क्या होता है, जो भी होगा आपसे शेयर करेंगे। ट्राई करूंगा अगर आज का ब्लॉग डाल दूं, और मेरी जो घड़ी है उसका जो स्ट्रैप है वो टूट गया है। कपड़े भी वॉश करने वाले हैं भाई जी, कपड़े वॉश हो जाएंगे यहाँ? ओके, आगे होंगे, लद्दाख में होंगे। अच्छा भाई, खाने को क्या क्या मिल जाएगा यहाँ पे? ओके, चिकन और मैगी ऑमलेट। मैगी ऑमलेट अभी क्या मिलेगा, अभी जो टाइम हुआ है अभी इस टाइम तो मैगी ऑमलेट, मैगी मिलेगी ना।
अभी मैगी मिलेगी और रात को आपको सब्जी वगैरह, रोटी, चावल, चिकन वगैरह सब मिल जाएगा। सो यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा है ना। चलिए आप वीडियो का एंजॉय कीजिए और मैं ड्रोन शॉट लेता हूँ और आपको वो भी दिखाते हैं अभी।